अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुखसास किचन। आज हम देखेंगे पालक और उड़द दाल की रेसिपी, जिसको अक्सर हैदराबाद में नाश्ते में बनाते हैं रोटी के साथ। ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और हेल्दी भी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो आज मैं पालक और उड़द की दाल बिल्कुल आसान तरीके का बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर को गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल। तो तेल हल्का गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई और दोनों को चटकने देंगे। और जैसे ही दोनों का कलर थोड़ा सा चेंज होकर ब्राउन हो जाए, तब हम इसमें 1 डली प्याज डालेंगे और 5 से 6 हरी मिर्ची कटे हुए। अब हम प्याज को लाल होने तक यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन की हो जाए, तब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को मैंने लो रखा है, वरना मिर्ची जल जाएगी। उसके बाद इमीडिएटली हम इसमें दाल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है और 10 मिनट के लिए भिगा कर रख दिया था। उसके बाद इसमें हम 4 कट्टे पालक के डालेंगे कटे हुए, इसको भी मैंने धोकर साफ कर लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 4 से 5 सीटी होने तक या दाल गलने तक इसको हम पका लेंगे। तो 4 सीटी होने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और कुकर बिल्कुल ठंडा होने तक रख देंगे। तो कुकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ढक्कन को हटाकर देख लेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, तो आप इसको फिर से चूल्हे पर रखकर हाई फ्लेम पर सुखा सकते हैं। तो दाल बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल या डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही लजीज उड़द और पालक की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। गर्मा गर्म इसको आप रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुखसास किचन।